यूनिवर्सल्स। देखिए इंट्रोडक्शन है, जहाँ किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा इसके साथ समय का भी बोध होता है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए रूल ऑफ ट्रांसलेशन, सिंपल सेंटेंस, ट्रांसलेशन करते समय आई बी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, मैं दो घंटे से रामायण पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग द रामायणा फॉर 2 आवर्स। देखिए आई और बी के साथ शैल हैव बीन नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग किया जाएगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग द रामायणा फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे बहुत बार आते हैं, ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कल तीन बजे तक रामायण पढ़ती रहोगी। यू विल हैव बीन रीडिंग द रामायणा सिंस टुमारो 3 o'clock। यू विल हैव बीन रीडिंग द रामायणा सिंस टुमारो 3 o'clock। देखिए नोट पॉइंट है, यदि सेंटेंस में दो समय का प्रयोग हुआ हो तो समय की शुरुआत के लिए फ्रॉम तथा अंत के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल है, मैं सुबह से शाम तक रामायण पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग द रामायणा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। फिर सुबह से शाम है तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता कल सुबह से गीत गाती रहेगी। सीता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो सिंस मॉर्निंग। सीता विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो सिंस मॉर्निंग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रजिया 2 बजे से 3 बजे तक कपड़े की बुनाई करती रहेगी। रजिया विल हैव बीन निटिंग द क्लॉथ फ्रॉम 2 o'clock till 3 o'clock। रजिया विल हैव बीन निटिंग द क्लॉथ फ्रॉम 2 o'clock till 3 o'clock। तो गाइस आपको एग्जाम्पल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम कल चार बजे तक गीत गाती रहोगी। यू विल हैव बीन सिंग अ सॉन्ग टुमारो सिंस 4 o'clock। यू विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग टुमारो सिंस 4 o'clock। देखिए अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स बता देती हूँ। निगेटिव बनाते समय सेल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, सूरज तीन बजे से गीत नहीं गा रहा होगा। सूरज विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं कल से तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई के साथ शैल नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस टुमारो। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस टुमारो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, रेखा परसों से रामायण नहीं पढ़ रही होगी। रेखा
परसों से रामायण नहीं पढ़ रही होगी? रेखा विल नॉट हैव बीन रीडिंग द रामायणा सिंस नेक्स्ट टुमारो। देखिए परसों की इंग्लिश क्या होगी? नेक्स्ट टुमारो। देखिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स बता देती हूँ। शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्प हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं कल सुबह से रामायण पढ़ रहा हूँगा? क्या मैं कल सुबह से रामायण पढ़ रहा हूँगा? Shall I have been reading the Ramayana tomorrow since morning? देखिए आई के साथ shall नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। Shall I have been reading the Ramayana tomorrow since morning? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या नेहा कल 2 बजे से हरोड़ा नहीं जा रही होगी? क्या नेहा कल 2 बजे से हरोड़ा नहीं जा रही होगी? देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। विल नेहा नॉट हैव बीन गोइंग टू हरोड़ा टुमारो सिंस 2 o'clock? देखिए अब इसी में है सेकेंड टाइप, WH word प्लस shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल है, नेहा कल 2 बजे से हरोड़ा क्यों नहीं जा रही होगी? नेहा कल 2 बजे से हरोड़ा क्यों नहीं जा रही होगी? WH word बीच में आए उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। Why will Neha not have been going to Haroda tomorrow since 2 o'clock? Why will Neha not have been going to Haroda tomorrow since 2 o'clock? Guys, ये रहे हमारे examples and हमारे tense complete हो गए। I hope आपको present, past, future का सारा tense समझ में आया होगा। तो गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।